Yes, I'm going to start revision of nations in India history part. When we will start this chapter, first of all, first page is related with the meaning of anti-colonialism. Anti-colonialism क्या होता है? ठीक है, इसके लिए आपको पहले colonialism की definition पता होनी चाहिए. Colonialism का मतलब होता है, ये word जो है वो किससे originate हुआ है? Colony. कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है एरिया दैट इज सब्जुगेटेड बाय एनी अदर कंट्री. लाइक इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बिफोर 1947. ठीक है, एंड एट दैट टाइम वी वर पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश. दैट वाज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. कॉलोनी का वर्ड जो है वो क्या होता है? कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म. ठीक है, ये थ्री वर्ड्स हैं. नंबर वन, कॉलोनी इज द एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री. लाइक अगर मैं ये कहती हूँ इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन बिफोर 1947, इंडिया वाज पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, बिफोर 1947, तो ये हो गया कॉलोनी. कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच वन कंट्री सब्जुगेट अनदर. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट करती है. सब्जुगेट का मतलब होता है कंट्रोल करती है ऑन ईच एंड एवरी स्फीयर लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन. कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसमें हमें ये लगता है कि वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री. कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनी और कॉलोनाइजेशन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉलोनियलिज्म का मतलब है द फीलिंग इन विच वन कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री. लाइक इंडिया फेस्ड कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग बिफोर 1947 बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है, एंटी कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें मूवमेंट, मतलब एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट जो है, ये बहुत सी कंट्रीज में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसमें कंट्रीज क्या करती हैं? रिवोल्ट करती हैं. एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट क्या होती है? ये मूवमेंट, द मूवमेंट इन विच मैनी कॉलोनीज गॉट फ्रीडम. एंटी कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है मूवमेंट इन विच कॉलोनीज गॉट फ्रीडम. इंडिया जैसी बहुत सी कंट्रीज में मूवमेंट्स या रिवोल्ट्स हुए and these countries got freedom, so that is known as anti-colonialism movement ya anti-colonial movement. theek hai, yani ki aisi country like India and Vietnam, do stories hain. Vietnam ki story bahut short mein di gayi hai. Vietnam was also the colony of Britain and it also got independence. theek hai, to India jaisi bahut si countries jo hain, these countries got freedom. ठीक है, एक ऐसी मूवमेंट क्या होती है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, द मूवमेंट इन विच मैनी कॉलोनीज गॉट फ्रीडम. ठीक है, जैसे इसमें हम बताएंगे फॉर एग्जांपल यूरोपियंस, जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, मैनी कंट्रीज दे सब्जुगेटेड अनदर. ठीक है, यूरोपियंस ट्राई टू इम्पोज देयर कल्चर ऑन इंडियंस. यूरोपियंस ने अपना कल्चर इंडियंस के ऊपर इम्पोज किया, इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर. ठीक है, द एग्रेशन अमंग इंडियन, और आपके ऊपर कोई चीज जब जबरदस्ती थोपी जाती है तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करते हैं? अपना एग्रेशन शो करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, रैलीज एंड सैक्रिफाइसेस. ठीक है, दिस एग्रेशन अमंग इंडियंस प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड. यानी कि जब लोग इकट्ठे मिलकर अपना गुस्सा दिखाते हैं तो इनमें शेयर्ड बॉन्ड का मतलब होता है वो इकट्ठे, उनकी यूनिटी जो है वो, उनकी यूनिटी की फीलिंग आती है. यही फीलिंग आगे जाकर क्या बनती है? फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म. ठीक है, एंड इसी के कारण लोग क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं और अपने आप को जो उनके अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है उससे फ्रीडम जो है, फ्रीडम लेने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. और इस तरह से मैनी कंट्री, मैनी कंट्री मैन इन आर कंट्री, लाइक मैनी पीपल इन आर कंट्री, दे गॉट यूनाइटेड एंड वी वर ग्रांटेड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इस फीलिंग को क्या बोलते हैं? एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ठीक है, I think four words are clear to you. Meaning of colony is a place. Like India was the colony of Britishers. ठीक है, colonization का मतलब होता है process.
प्रोसेस अंडर विच वन कंट्री सब्जुगेट अनदर. कॉलोनिज्म का मतलब होता है फीलिंग इन विच वन कंट्री इज कंट्रोल्ड फिजिकली पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली बाय एनी अदर कंट्री लाइक मैनी यूरोपियन कंट्रीज एंड दे स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ कॉलोनिज्म. ठीक है, फीलिंग कह लो या कॉलोनिज्म कह लो. एंटी कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन कॉलोनीज गॉट फ्रीडम. कॉलोनीज ने कैसे फ्रीडम ली, बाय स्टार्टिंग प्रोटेस्ट रैलीज, पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट्स, बाय सैक्रिफाइसिंग, बाय यूनाइटेड देमसेल्व्स. ठीक है, एमर्जेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल. लोगों के मन में जब नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. तो वियतनाम और इंडिया की दो स्टोरीज हैं. वियतनाम की स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट में बताई गई है आपकी बुक में. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो वियतनाम कंट्री थी, ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियंस. लेकिन वियतनाम की स्टोरी और इंडिया की स्टोरी काफी हद तक सेम ही है. जो प्रॉब्लम्स इंडिया ने सही है वही प्रॉब्लम्स वियतनाम ने भी सही है. तो दोनों ही कंट्रीज में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब होता है व्हेन वन कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस बाय स्ट्रगलिंग. जब एक कंट्री बहुत स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस लेती है तो उस फीलिंग को क्या कहा जाता है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल फीलिंग. ठीक है, इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसी से ही हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड 1914 to 1918. टर्म वाइज आपने सारी जितनी भी ईयर्स हैं उनकी प्रॉपर टाइमलाइन साइड बाय साइड बनानी है. मैं एक साइड पे ना टाइमलाइन बना रही हूँ, लाइक 1914 to 1918 ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड. ठीक है, ओके. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हमारी कंट्री में नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. हाउ, नेशनल मूवमेंट, रीजन क्यों हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक मेजर रीजन बना नेशनल मूवमेंट का. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट दैट टाइम वी वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटेन वॉज द वन पार्टी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. स्पेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, एंड दूसरी तरफ कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, टर्की. ठीक है, तो एट दैट टाइम इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड मैनी इंडियंस दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स. मैनी फार्मर्स दे बिकेम सोल्जर्स. बहुत से इंडियंस जो थे उनको जबरदस्ती रिक्रूट किया गया इनटू आर्मी, सोल्जर्स बनाया गया ताकि वो ब्रिटेन को यानी कि ब्रिटिश को सपोर्ट कर सके. ठीक है, और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने नेशनल मूवमेंट यानी कि हमारी कंट्री की नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया. तो हमारा ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1914. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसने एक नई सिचुएशन जो है वो कंट्री में स्टार्ट की. न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि कंट्री में काफी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए. उन्हीं चेंजेस के कारण हमारे इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के लिए एग्रेशन और गुस्सा जो है वो एक मेन बेस बना नेशनल मूवमेंट के. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम कंबाइन ही बताएंगे. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे इसमें, हमने सारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है वो एनवायरमेंट या कंडीशन बतानी. ठीक है, नंबर वन, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो किस पे किया गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर. ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा किया गया. और ऑटोमेटिकली जब डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे इसमें हम बताएंगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वेपन्स, गन्स, सोल्जर्स, उनके लिए जो भी फूड एंड सप्लाई होती है, टेंट्स, उनकी यूनिफॉर्म, उनके शूज और उनको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, इवन ब्रिटेन आर्मी एंड इवन इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो. यानी कि उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी कॉन्सेंट्रेशन जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में किसके ऊपर थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर. ठीक है, और ऐसे टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया.
ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो फूड सप्लाई की शॉर्टेज होगी। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, कंपनीज बंद हो रही थी और लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैनी पीपल देवर दे बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री का सिनेरियो क्या था, एक तरफ गवर्नमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जिसका सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, फार्मर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, लेबर्स के ऊपर, ठीक है। सो दस वी कैन से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन एंड लेट टू इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर इन द कंट्री। देन अब डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट को इनकम भी तो चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनकम यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फिर नए नए रिसोर्सेज यानी कि कौन कौन से टैक्सेशन सिस्टम, न्यू टैक्सेस, इसमें हम बताएंगे। गवर्नमेंट स्टार्टेड लेविंग न्यू टैक्सेस। न्यू टैक्सेस का मतलब होता है लोगों की पॉकेट से लिए जाना है मनी, तो टैक्सेस को बढ़ा दिया, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज, ड्यूटीज बढ़ा दी गई, कस्टम ड्यूटीज उनको बढ़ा दिया गया। ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ पेमेंट जो है वो ट्रेडर्स को देना पड़ता है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है जब एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स लेकर जाते हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज या कुछ जो है वो फीस पे करनी पड़ती, ठीक है। इनकम टैक्स, लोगों की इनकम टैक्स वो बढ़ा दिया, इनकम टैक्स जो सबको देना पड़ता है अपनी इनकम, ये एनुअल जो होता है, एनुअल का मतलब होता है एक साल में आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर कुछ परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की इनकम यानी कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था, टू इंक्रीज द इनकम बिकॉज दे वर इंकरिंग ऑन द डिफेंस। एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया, नए टैक्सेस। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन, ये नई इकोनॉमिक सिचुएशन बनी, नए टैक्सेस लगे, कस्टम ड्यूटीज को जो है वो फिर से रिवाइज किया गया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स शो कर रहे थे कि अल्टीमेटली सारा बर्डन जो था वो किनके ऊपर था, इंडियंस के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर। ये तो था एक तरफ। दूसरी तरफ ऑलरेडी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो नेग्लेक्टेड था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड होगा तो कंट्री में कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ेंगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। फिर आप बताओगे दैट इन कंट्री मैनी पीपल दे फेस शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स। शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, इसको आगे एक्सप्लेन करो। जब कंट्री में शॉर्टेज है, फूड की बहुत शॉर्टेज है, जब इकोनॉमिक सिचुएशन क्या कहती है, जब कंट्री में किसी चीज की कमी होती है तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो दिस लेड टू इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स। इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब ईच एंड एवरीथिंग, चाहे ईटेबल थी चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी कि जब कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है डिवेलप ही नहीं हो रहा, क्रॉप्स प्रोडक्शन की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो जो ऑलरेडी है, ठीक है, वो इतना कम होगा कि वो सबको नहीं मिलेगा। जब शॉर्टेज होगी, फूड की शॉर्टेज होगी, चीजों की शॉर्टेज होगी, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब आप खुद सोचो उस टाइम पीरियड में, इमेजिन करो जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो था, डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंडिचर कर रही थी, लोगों को नए नए टैक्स देने पड़ रहे थे, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ रही थी, इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, उसके ऊपर लोगों को फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज, टैक्स तो लगा रही थी लेकिन फैसिलिटीज नहीं दे रही थी, और जो मार्केट में था उनके प्राइजेस बहुत हाई थे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन के कारण लोगों के मन में एग्रेशन हुआ इसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एंड दे स्टार्टेड द फीलिंग ऑफ हेट्रेड। यानी कि एक तरह से फीलिंग ऑफ हेट्रेड का मतलब होता है लोगों के मन में फॉरेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है वो एक हेट्रेड जो है कि फीलिंग आई, एंड नाउ दे वॉन्टेड फ्रीडम। अब उनकी लड़ाई किससे थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट होती, सेल्फ गवर्नमेंट होती तो उनकी तरफ ध्यान देती, लेकिन अब लोगों को लगा कि देयर इज अ नीड टू चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। देन फोर्थ, आपको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट कवर करने हैं। फोर्थ पॉइंट में फिर आपने बताना है दैट रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट। ऑलरेडी कंट्री में ये सिचुएशन थी, दूसरी तरफ फोर्स रिक्रूटमेंट, ये आपने पॉइंट हमेशा पढ़ते हो, नेपोलियन के टाइम में भी पढ़ा था। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब जबरदस्ती लोगों को सोल्जर बनाया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड,
लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती लोगों को क्या किया, रिक्रूट किया गया। विलेजर्स वर फोर्स, फार्मर्स वर फोर्स टू रिक्रूट इन द आर्मी। रिक्रूट करना मतलब आर्मी, उनको जबरदस्ती रिक्रूट करना, यानी कि हर फैमिली मेंबर्स में से एक पर्सन मेल मेंबर का जो है वो जबरदस्ती उसको आर्मी में रिक्रूट करना कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे वांटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स टू बी इंक्रीज, और उस टाइम पर में इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इंडियंस दे हैव टू फॉलो द अनजस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ये तो प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल भी रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। और सबसे प्रॉब्लम क्या थी? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस। एपिडेमिक आल्सो स्प्रेड। एपिडेमिक मतलब जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं, एंड एट दैट टाइम एपिडेमिक एंड प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन, ड्रॉट, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाता है, फसलें नहीं होंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी नेचुरल कंडीशंस डिजास्टर जैसे हम कहते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी इंडियंस को फेस करनी पड़ रही थी, फार्मर्स को। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैनी पीपल, जैसे हम कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी पीपल दे फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट गवर्नमेंट टुक नो डिसीजन। गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से कोई भी डिसीजन नहीं लिया इन लोगों को किसी भी तरह से फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करने। तो अगेन हाउ यू कैन से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, तो हम सबसे पहले बताएंगे ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा जिससे कि क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इनकम चाहिए। गवर्नमेंट इनकम कहाँ से लेगी? नए टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज लगाई गई, ठीक है। उसके बाद प्राइजेस इसीलिए बढ़े क्योंकि चीजों के शॉर्टेज, यानी कि चीजों का जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेज थी, एग्रीकल्चर कह लो या इंडस्ट्रियल कह लो। और ये पर्टिकुलर टाइम जो था, इस एट दिस टाइम मैनी पीपल दे फेस एक्सट्रीम हार्डशिप्स। एक्सट्रीम हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है? लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। दूसरी तरफ फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब लोगों को जबरदस्ती जो है फार्मर्स को क्या बनाया जाता है, सोल्जर्स बनाया जाता है, उनकी रिक्रूटमेंट जबरदस्ती की जाती है। इसके बाद फिर एक टाइम आया जब क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर क्यों होता है? जब शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल होगी, फेमाइन कंडीशन। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा था जब एपिडेमिक भी स्प्रेड हुई, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हुई, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज थी जो कम्युनिकेबल थी, बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट टुक नो डिसीजन टू गिव द मेडिकल फैसिलिटीज एंड मैनी पीपल डाइड। इवन ड्यूरिंग वॉर कंडीशन, जब वॉर हुई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी मैनी इंडियंस दे डाइड, दे किल्ड आल्सो, दे वर किल्ड, ठीक है। अब लोगों की फैमिलीज में जब उनको इस तरह से लॉस फेस करना पड़ा, तो दिस वाज आल्सो अ शॉकिंग ट्रेंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ये इसको हम कहेंगे कि मैनी पीपल दे फेस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डशिप्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड दिस गेव बर्थ टू द नेशनल मूवमेंट। यानी कि इसने क्या किया, हमारे स्ट्रगल को एक नया मोड, एक नई स्पीड दी, एंड मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। लोग तभी जो है वो अपना गुस्सा दिखाते हैं जब लोग सफर करते हैं। सफर का मतलब होता है जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, और जब मास सफरिंग होती है, मास सफरिंग का मतलब होता है जब बहुत से लोगों को सेम तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। और यही रिवोल्ट जो है वो एक नया ट्रेंड लेकर आया। इस ट्रेंड को क्या कहा जाता है? न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नाउ यू कैन राइट अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एनी डाउट बेटा? रेज योर हैंड इफ एनी डाउट इज देयर। थैंक यू इमानी। वेट फॉर 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर screenshot of attendance. Wait for 1 minute. Now I can see only 40 students on my screen.
यस नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सत्याग्रह. What was the meaning of satyagraha? ठीक है इसका meaning. Who started and which were the features? क्या थे सत्याग्रह के features? ठीक है तो इसमें हमने सबसे पहले बताना महात्मा गांधी came in India from South Africa in 1915. उनके आने से ही हमारी कंट्री में नेशनल मूवमेंट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई. व्हेन महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1915 एंड बिफोर 1915 ही लिव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर मेनी इयर्स. देयर ही सॉ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट्स. ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल देयर आल्सो एंड ही स्टार्टेड सत्याग्रह देयर. उन्होंने वहां पे भी सत्याग्रह स्टार्ट किया एंड वहां पर ही आल्सो फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हिमसेल्फ. ठीक है आपको इनका एक इंसिडेंट याद होगा जिसमें इनको ट्रेन में से निकाल दिया गया था. दो ही हैड द टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास. उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था लेकिन फिर भी उनको ट्रेन से निकाल दिया बिकॉज ही वॉज अ सिटीजन ऑफ डिपेंडेंट कंट्री. गुलाम देश के नागरिक थे. तो एट दैट टाइम ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो महात्मा गांधी जो थे वो अपनी कंट्री में वापस आए एंड उनका मेन मोटिव क्या था अपनी कंट्री को गुलामी यानी कि इंडिपेंडेंस जो है वो दिलाना. डिपेंडेंट जो वर्ड था उसको हटाना. ठीक है तो इसलिए जब वो अपनी इंडिया में आए एंड एट दैट टाइम ही सॉ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस. उन्होंने इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझा एंड ही मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. वो कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में गए और वहां पर उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा. वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को समझा. मिल वर्कर्स प्लांटर्स जो प्लांटेशन में काम करते थे फार्मर्स. तो अलग अलग तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और उन्होंने जो एक नया वेपन वेपन का मतलब होता है एक ऐसा वेपन जिससे कि आप अपना जो भी आप फील करते हो किसी के लिए वो आप शो कर सकते हो. ठीक है सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या था एक ऐसा मैथड था. सत्याग्रह वॉज अ नॉन वायलेंट मैथड. नॉन वायलेंट. ठीक है सत्य सत्य में सच. सच के लिए आग्रह करना. सत्य के लिए आग्रह करना. सच पे डटे रहना. ठीक है सत्याग्रह इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन. मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल. एजिटेशन एजिटेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अगेंस्ट होते हो. एजिटेट करना मतलब अगेंस्ट होना है ना. तो सत्याग्रह मीनिंग क्या है इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट होते हो आप जो आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्लियर. अब इसमें अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग. नॉन वायलेंट मतलब वो वायलेंस के अगेंस्ट. मास मतलब नंबर ऑफ पीपल. एजिटेशन एजिटेशन का मतलब होता है अगेंस्ट होना. एंड किसके अगेंस्ट होना. एक्सप्लॉयटेशन. इसका मतलब है महात्मा गांधी जी को यह लगता था कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और आप उसके लिए एजिटेट करो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ लेकिन आपका मेथड क्या होना चाहिए. नॉन वायलेंट. वायलेंस नहीं होना चाहिए और अपनी लड़ाई यानी कि सच के ऊपर तब तक डटे रहना है. उनका अल्टीमेटली मानना क्या था दैट सत्यमेव जयते. ठीक है सत्यमेव जयते मतलब सत्य हमेशा जीत होती है. चाहे आप बहुत स्ट्रगल लंबा करना पड़ता है लेकिन एक ना दिन आपको उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक मिलता. तो दैट वाज द मीनिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी. ठीक है एंड दिस आइडिया वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ. नाम से पता लगता है कि उनका आइडिया क्या था. सच की लड़ाई यानी कि अगर आप सच्चे हो तो आप उस लड़ाई में आप जो है आपके मैथड्स जो है वो नॉन वायलेंट है. ठीक है तो एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी. ठीक है इट्स सजेस्टेड दैट इफ कॉज इज ट्रू. कॉज इज ट्रू का मतलब होता है कि जिस कारण के लिए आप लड़ रहे हो. कॉज का मतलब है जिस कारण के लिए अगर आप लड़ रहे हो वो सही है. ठीक है तो उसके लिए फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है.
फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, यानी कि अगर आप सच्चे हो तो आपको फिजिकली फोर्स जो है अपनी दिखाने की जरूरत नहीं है. वी शुड नॉट रिटेलिएट. रिटेलिएट का मतलब होता है कि जो कोई आपके साथ जैसा करता है आपको सेम रिटेलिएट नहीं करना है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ ऑलवेज विंस. उनका मेन आइडिया क्या था, ट्रूथ ऑलवेज विंस. एंड व्हेन ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 ही स्टार्टेड मैनी सत्याग्रहस. एंड यू हैव टू रिमेम्बर द ईयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1916 में उन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले कहां पे स्टार्ट किया, चंपारण. इन बिहार, ठीक है. यहां पर जो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया दैट ही इंस्पायर्ड फार्मर्स, ये फार्मर्स जो था उनको इंस्पायर किया. एट दैट टाइम फार्मर्स जो थे दे वर फेड अप, दे वर एक्सप्लॉयटेड अंडर प्लांटेशन सिस्टम. प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वर्कर्स जो है, प्लांटर्स जो है उस प्लांटेशन में काम करते थे, बट दे वर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस एंड दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो इन द ईयर 1916 महात्मा गांधी ही स्टार्टेड अ सत्याग्रह इन चंपारण इन बिहार, ठीक है. एंड एट दैट टाइम फार्मर्स ही ट्रेन्ड, ही इंस्पायर्ड द फार्मर्स अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है. देन इन 1917 he started satyagrah in Kheda in Gujarat 1917 he started satyagrah in Kheda. Kheda is a place in Gujarat, theek hai. Here he also supported farmers because these farmers were also exploited by the Britishers. High taxes, high revenue they had to pay to the British government. Okay. Then in 1918, Ahmedabad. In Gujarat. Okay. Here he inspired cotton mill workers because cotton mill workers they were exploited by the British government. ठीक है. सो ऑल दी थ्री मूवमेंट्स इनको कैसे याद रखोगे कॉन्टिन्यूटी में, सी के ए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद 1916, 1917 एंड 1918, ठीक है. सो दीज मूवमेंट, दीज सत्याग्रह मूवमेंट्स वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. तो हियर इन अहमदाबाद ही इंस्पायर्ड कॉटन मिल वर्कर्स बिकॉज दीज कॉटन मिल वर्कर्स दे वर्क इन मिल्स एंड दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स. क्लियर बेटा, टाइम इज ओवर, आई एम गोइंग टू एंड.